दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। धौलपुर में एयरटेल का नाम खराब कर रही है सिमसिस कंपनी। यूं तो इंटरनेट और नेटवर्क के मामले में एयरटेल कंपनी भारत में अच्छी कंपनियों में शुमार है, लेकिन धौलपुर में सिमसिस नाम की निजी कंपनी एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का नाम खराब कर रही है। इन्होंने एयरटेल इंटरनेट की धौलपुर में फ्रेंचाइजी ले रखी है, लेकिन इनकी सर्विस इतनी घटिया है कि धौलपुर के लोगों को एयरटेल के इंटरनेट से मोहभंग हो रहा है, जिससे एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का नाम धौलपुर में खराब हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जगन चौराहे के पास हरदेव नगर में स्थित एमएल कॉम्प्लेक्स धौलपुर में इसका ऑफिस है, जहां से सिमसिस कंपनी धौलपुर में अपना इंटरनेट संचालित करती है, जिसका संचालन धौलपुर का ही एक स्थानीय व्यक्ति करता है, जिसने एयरटेल कंपनी से इंटरनेट की फ्रेंचाइजी ले रखी है, लेकिन इसने कार्य करने के लिए अपने यहाँ अनट्रेंड लोगों को लगा रखा है। इसके अलावा इसके पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, जिस कारण यह इंटरनेट उपभोक्ताओं को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोगों का इनके इंटरनेट से मोहभंग हो रहा है और बहुत सारे लोग इसका इंटरनेट कनेक्शन कटवाने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब यह लोग इंटरनेट कनेक्शन देते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन देने के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, लेकिन बाद में यह लोग अच्छी सर्विस नहीं देते। आए दिन इनका इंटरनेट खराब होता रहता है। जब इनसे उपभोक्ता इंटरनेट नहीं आने की शिकायत करते हैं तो अक्सर यह कहते हैं कि ऊपर से सर्वर डाउन है, और कई बार यह लाइन कटने का भी बहाना बनाते हैं। कुल मिलाकर इनकी इंटरनेट सर्विस धौलपुर में बहुत खराब है, जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान है और एयरटेल जैसी बड़ी व नामी कंपनी का धौलपुर में नाम खराब हो रहा है। उच्च पदों पर बैठे एयरटेल कंपनी के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी कंपनी का धौलपुर में नाम खराब होने से बच सके। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेमिनार का हुआ आयोजन। बांग्लादेश आजादी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव संभाग प्रभारी दिलीप चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नायक गमंडी सिंह गुर्जर, नायक सज्जन शर्मा, नायक कैलाश सोनी, हवलदार अजमेर सिंह, हवलदार सूरजपाल सिंह का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर आईपी सिंह रहे। कार्यक्रम में बांग्लादेश आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ आयोजन समिति के भरतपुर जिला संयोजक चुन्नी कप्तान, धौलपुर जिला संयोजक पंडित दुर्गादास शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सहित ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठन सेवा दल, नगर परिषद के पार्षद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने कहा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेसी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और कांग्रेस के नेताओं ने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर साल भर शौर्य दिवस के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर शौर्य दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शौर्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला संयोजक पंडित दुर्गादास शास्त्री ने अपने उद्बोधन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। कार्यक्रम को डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पंडित साकेत बिहारी शर्मा, नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, अनीस खान, श्यामू पंडित, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, मुकुंद चौधरी, सत्यप्रकाश शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, अतुल भार्गव, गौरव गर्ग, समृद्धि दीक्षित, गुड्डू कुरैसी, मुन्ना अब्बासी, इसरार उप सभापति राजकुमार भारद्वाज वसीड़ी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। तसीवो में सार्वजनिक शौचालय भवन का विधायक कुशवाहा ने किया उद्घाटन। तसीवो में ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए सार्वजनिक शौचालय भवन का उद्घाटन धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा किया गया।
फौजी गार्डन तसीमो में आयोजित कार्यक्रम में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवा मुख्य अतिथि रही। वहीं विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह कुशवा, सैपो सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप सिंह रहे। मुख्य अतिथि का तसीमो सरपंच नीलम परमार द्वारा शाल उड़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि रामअवतार फौजी द्वारा अन्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा आमजन की समस्याओं को सुना गया, जिसके द्वारा शौचालय भवन का फीता काटकर विधायक कुशवा द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पुरैनी सरपंच प्रतिनिधि भीकम सिंह, करीमपुर सरपंच प्रतिनिधि सुबेदार सिंह, वरा सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र त्यागी, घड़ी सरपंच प्रतिनिधि हरिशंकर सिंह, चौराखेड़ा सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज सिंह सहित ठाकुर हुकम सिंह, शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, अग्रवाल समाज तसीमो अध्यक्ष विनोद कुमार मित्तल, रामवीर परमार, माता दीन परमार, प्रताप ठाकुर, मुरारी लाल मित्तल आदि मौजूद रहे। इस तरह से हमारी एक बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे तसीमो गांव में इतनी जोरदारी से विकास के काम चल रहे हैं। एक कारण हमारे फौजी भाई का है और उनकी धर्म पत्नी जो सरपंच बनी है, नहीं इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सर सरपंचों से यही आशा करती हूँ बढ़ चढ़ के काम करें, और मेरे लायक की कोई जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, और जो विकास के काम हो मुझे अवगत कराएं तो मैं बात करूँ। रीट परीक्षा के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित। राज्य सरकार के निर्देशानुसार रीट की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि रीट परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में 88 परीक्षा केंद्र पर लगभग 40,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थी के आवागमन, जिले में ठहराव एवं अभ्यर्थी के भोजन इत्यादि व्यवस्थाओं में सहायता प्रदान करने के लिए नोडल विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य प्रशासनिक व सहयोगी विभाग के स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए जिला स्तर पर 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में प्रभारी भूपेंद्र गर्ग, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा सह प्रभारी विपिन कुमार व्याख्याता पुरैनी धौलपुर एवं मांगीलाल आर्य सहायक लेखाधिकारी ICDS रहेंगे। नियंत्रक कक्ष 22 सितंबर प्रातः से 27 सितंबर 2021 तक कार्यरत रहेगा। इसका दूरभाष नंबर 056422033 रहेगा। रीट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर दूरभाषा कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। राजाखेड़ा में पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटे फल। शनिवार को राजाखेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह का जन्मदिन राजाखेड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित कर एवं कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाई खाकर हर्ष व्यक्त करते हुए मनाया। चेयरमैन जादौन ने बताया कि पूर्व विधायक हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। उनके 84वें जन्मदिन पर गरीबों व मरीजों को फल वितरित किया गया, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया गया और उनके स्वस्थ जीवन एवं लंबी आयु की कामना की गई। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्व विख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, कोली कैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी, आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं, सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1,00,000 रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। प्रशासन गांव के संग अभियान का करेंगे बहिष्कार, जिलाध्यक्ष गुर्जर।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की 11 सूत्री मांग पूरी नहीं होने का मामला। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर द्वारा आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान को व्हाट्सएप और सरकारी ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें 11 सूत्री मांगों को पूरे नहीं होने तक सरकारी अभियानों का बहिष्कार करने की बात कही है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर विगत 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके विरोध में सभी ग्राम विकास अधिकारी प्रशासन गाँव के संघ अभियान से संबंधित किसी भी गतिविधि एवं कार्य फ्री कैंप ग्राम सभा पट्टा आवेदन तैयार कराना एवं अन्य संबंधी विविध कार्य में भी भाग नहीं लेंगे तथा शासन एवं सरकार का भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। जैन समाज के रीट परीक्षार्थियों के लिए रहने व खाने की व्यवस्था निशुल्क। 26 सितंबर 2021 को राजस्थान के विभिन्न जिलों में रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर धौलपुर में परीक्षा देने आने वाले जैन समाज के विद्यार्थियों के लिए जैन समाज मनिया की ओर से रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी सुमन जैन मनिया ने बताया कि धौलपुर में रीट की परीक्षा देने के लिए आने वाले जैन समाज के विद्यार्थी 93 52 40 52 29 9001 9091 41 एवं 80 58 16 16 93 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रीट परीक्षा के लिए लोधा समाज के छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगी ठहरने व खाने की व्यवस्थाएं। लोधा राजपूत महासभा धौलपुर की बैठक का आयोजन महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड धौलपुर पर भामाशाह भगवती प्रसाद सरपंच सिंगावली के मुख्य आतिथ्य एवं देवी सिंह लोधा जिला अध्यक्ष महासभा की अध्यक्षता में की गई। जिला अध्यक्ष देवी सिंह लोधा ने बताया कि 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से परीक्षा देने के लिए धौलपुर आने वाले लोधा समाज के छात्रों के लिए वीरांगनी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा धौलपुर पर उनके रुकने व खाने पीने की व्यवस्था निशुल्क की गई है। परीक्षा देने के लिए धौलपुर आने वाले लोधी समाज के छात्र जिला अध्यक्ष देवी सिंह लोधा के मोबाइल नंबर 9414206907, भगवती प्रसाद सरपंच के मोबाइल नंबर 9413415621 और रतन सिंह लोधा जिला अध्यक्ष रैसला धौलपुर के मोबाइल नंबर 9460928406 पर संपर्क कर सकते हैं। अल सुबह घूमने निकले व्यक्ति पर जरख ने किया हमला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर स्थित चंबल गार्डन के पास आज रविवार अल सुबह घूमने निकले एक व्यक्ति पर जरख ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड धौलपुर निवासी पंकज शर्मा रोजाना की तरह आज सुबह घूमने गया था। इसी दौरान चंबल गार्डन के पास जरख ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन पंकज ने जरख से डटकर मुकाबला किया। हमले में जरख ने पंकज के दोनों पैरों को काटकर घायल कर दिया। हाउसिंग बोर्ड निवासी अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने वन विभाग से इस जरख को पकड़वाने की मांग की है, क्योंकि चंबल गार्डन में रोज सुबह शाम महिला पुरुष घूमने जाते हैं। स्वर्गीय कैलाश नाथ तिवारी जी को प्रथम पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जीवन और मृत्यु के बीच मानव कर्म ही किसी व्यक्ति का यथार्थ परिचय होता है। नाम के साथ ही संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं उसे परिभाषित करता है। निसंदेह स्वर्गीय कैलाश नाथ तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण जिले के साथ साथ सीमावर्ती उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र तक आपकी ख्याति थी। कैलाश नाथ तिवारी के नाम से ही तुरंत आपका व्यक्तित्व मन मस्तिष्क में जागृत हो जाता है। आपका जन्म 25 दिसंबर 1936 को धौलपुर के संपन्न परिवार स्वर्गीय बौहरे बालमुकुंद तिवारी, जो कि धौलपुर रियासत के महत्वपूर्ण सरदारी के अत्यंत करीब थे। आप स्वर्गीय बौहरे जी के एकमात्र पुत्र थे। आपका एक सामाजिक प्रभा मंडल परशुराम की तरह आप में ब्राह्मण वंशीय क्रोध व स्वाभिमान सदैव जीवंत अंतिम क्षण तक रहा। आप समाज के साथ साथ जनहित के कार्यों के लिए पहचाने जाते थे। शारीरिक रूप से अंतिम क्षण तक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहे। कल के ही दिन भादो मास की द्वादशी को प्रातःकाल आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर परलोक गमन कर गए। प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अंगूरी देवी पत्नी सुरेंद्र तिवारी, श्रीमती मुन्नी देवी, नरेंद्र तिवारी, श्रीमती मिथिलेश, विजेंद्र तिवारी, श्रीमती नीलम, महेंद्र तिवारी, श्रीमती ममता,
दरविंदर तिवारी, श्रीमती उषा, भूपेंद्र तिवारी, श्रीमती रेखा, सौमिंदर तिवारी, श्रीमती नीतू, मुनिंदर तिवारी, श्रीमती शिवा, पुत्र व पुत्रवधु, श्रीमती पुष्पा शर्मा, राजेश शर्मा, श्रीमती कमलेश शर्मा, सुधीरकांत शर्मा, पुत्री दामाद, सुनील तिवारी, श्रीमती अर्चना, सुमित तिवारी, छाया, आकाश, श्रीमती चाहना, पौत्रवधु, विकास स्वतंत्र, यश, मनु, वासु, कृष्णा, किंशु, मृदुल, पौत्र, श्रीमती गुंजन शर्मा, कुणाल शर्मा, श्रीमती अर्चना शर्मा, राहुल शर्मा, पौत्री पौत्र दामाद, साक्षी, आरती, दिव्यानी, कौंची, अनुष्का, पौत्रियाँ, सार्थक, रुद्र एवं तक्ष, प्रपौत्र एवं सभी मित्रगण एवं परिजन। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, डीएलएड, टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ, कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828215670। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध, माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉम फोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, आगरा, ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम, 220 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। जिला वुशु टीम का चयन राज्य स्तर पर करेगी धौलपुर का प्रतिनिधित्व। राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर में जिला वुशु टीम का चयन जिला वुशु संघ के सचिव माता प्रसाद टाइगर एवं अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार की देखरेख में संपन्न हुआ। चयनित खिलाड़ी 23 सितंबर से 26 सितंबर 2021 तक ओशिया जोधपुर में 15वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेंगे। टीम में बालिका वर्ग 45 किलो में सिमरन चौधरी, 48 किलो में शिवानी परमार, 52 किलो में दीक्षा कुमारी, 56 किलो भार वर्ग में वैष्णवी शिकरवार का चयन किया गया है। इसी प्रकार बालक वर्ग में 52 किलो में अंशुल कुमार, 56 किलो में शिव परमार, 60 किलो में विवेक गौतम एवं यूथ वर्ग में जगत शर्मा का चयन किया गया है। प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका में राष्ट्र खिलाड़ी दीपक शर्मा रहे। ये सभी खिलाड़ी राज्य स्तर पर धौलपुर जिले का अपने अपने भार वर्ग में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग, देव प्रसाद, रविंद्र सिंह जाट, मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। सायना सिलाई एवं ट्रेनिंग सेंटर ने महिलाओं को दी सिलाई मशीन। ग्राम पंचायत सरानीगेड़ा धौलपुर में सायना सोशल सिलाई एवं ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में सरानीगेड़ा सरपंच बबलू और पदारा एवं राजस्थान ग्रामीण बैंक मैनेजर सौरभ और सेवानिवृत्त लोको पायलट निरपत सिंह रहे। सायना सोशल सिस्टम के संस्थापक मनोज और कप्तान ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह में सिलाई प्रशिक्षण में प्रथम विजेता पिंकी पुत्री रेशम सिंह नगला दूलेका एवं द्वितीय विजेता सपना पुत्री कुंवर सिंह निवासी फूलपुरा एवं तृतीय विजेता शिवानी पुत्री सिकंदर निवासी मिर्जापुरा एवं चतुर्थ विजेता कविता पुत्री विजय सिंह निवासी खेड़ा को अतिथियों ने सिलाई मशीन देकर सम्मानित किया। बैंक मैनेजर सौरभ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करने की आमजन से अपील की। डेंगू के प्रकोप को देखकर एक्टिव मोड में आए सिंगावली कला सरपंच। राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत सिंगावली कला के सरपंच प्रतिनिधि सुखीलाल निषाद बेहद सक्रिय मोड में आ गए हैं। जैसे ही उनको पड़ोसी पंचायत वाजना के गांव जवारपुर के डेंगू की बीमारी के भयानक हालात दिखे तो वे अपने पंचायत के सभी गांव में जाकर हालातों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं आज रविवार को सरपंच ने पहले ही चिकित्सा विभाग के दल को CMHO डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल के नेतृत्व में देवदासपुरा में बुलाया, जहां डेंगू के हालातों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करवाया और गंदगी वाली जगहों पर सरपंच व विभाग के लोगों ने स्वयं निरीक्षण कर साफ सफाई के लिए जागरूक किया। इस दौरान राजाखेड़ा ब्लॉक की समस्त चिकित्सा विभाग की टीम की मौजूदगी रही।
महू गुलावली में सफाई नहीं होने से नालियां हुई बंद, ग्रामीण स्वयं कर रहे सफाई। बसेड़ी पंचायत समिति के गांव गुलावली की जाटा बस्ती में पिछले 4 माह से साफ सफाई नहीं होने से नालियां गंदगी से बंद पड़ी हैं, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी व बरसाती पानी मुख्य सड़क पर जमा रहता है, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन इसको लेकर ग्राम पंचायत महू गुलावली प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में पंचायत के खिलाफ आक्रोश है। इसी को लेकर अब नागरिकों ने नाली सफाई का जिम्मा खुद संभाल लिया है और ग्रामीणों द्वारा पिछले 4 दिन से स्वयं के स्तर पर ही बंद नाली की सफाई की जा रही है। स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत के सपने को अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर ग्रामीण जागरूक नजर आ रहे हैं। हमारे गांव गुलावली में नालियों की कभी सफाई नहीं की गई है और नालियों की सफाई न होने के कारण गंभीर बीमारी उत्पन्न हो रही है। राजकुमार कोहली बने अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति मोर्चा धौलपुर जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया द्वारा बसेड़ी के जटपुरा गांव निवासी राजकुमार कोहली को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। इससे पूर्व राजकुमार कोहली पूर्व महामंत्री एससी मोर्चा का दायित्व संभाल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वह ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इसके अलावा उनके उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। एम्बुलेंस 104 की नई गाड़ी का चिकित्सकों ने किया विधि विधान से पूजन। सैपा उपखंड के बसई नवाब में कल शनिवार को एम्बुलेंस 104 की नई गाड़ी उपलब्ध हो गई है। CSC पर पहुंची एम्बुलेंस का प्रभारी डॉक्टर टीकाराम त्यागी व डॉक्टर दीपक शर्मा ने पूजन किया। इस दौरान पंडित ललित कटारा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। चिकित्सा प्रभारी के द्वारा एम्बुलेंस पायलट का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीते काफी समय से खल रही एम्बुलेंस की कमी के चलते लोग परेशानी झेल रहे थे। अब मॉडर्न कंपनी की ओर से उपलब्ध हुई इस एम्बुलेंस गाड़ी से गर्भवती महिलाओं तथा प्रसूताओं को हॉस्पिटल जाने व आने के लिए समय पर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान बैद मोहम्मद जफर इस्लाम, एम्बुलेंस चालक सतीश जगदीश, विशंबर कुशवाहा, हरिप्रसाद त्यागी, प्रेम कुमार दीक्षित, राजेश परमार, लोकेंद्र त्यागी, पुष्पेंद्र शर्मा, पूरन सिंह, बबिता, सुनीता आदि मौजूद रहे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, 2 घायल। सैपो के कैथरी टोल प्लाजा के समीप NH 123 का शनिवार को तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए,
तभी मौके पर एकजुट हुए राहगीर की सूचना पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा पायलट धर्मेंद्र चौधरी तथा EMT संजय शर्मा की मदद से दोनों घायलों को राजकीय हॉस्पिटल सैपो में ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रेन की सहायता से हटवाकर पुलिस थाने पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक चीलपुरा थाना राजाखेड़ा निवासी नारायण सिंह पुत्र इंद्र सिंह तथा उसका साथी शिवा ट्रैक्टर पर सवार होकर भरतपुर की ओर से अपने गांव जा रहे थे, तभी हाईवे पर अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। दुर्घटना में घायल हुए लोक नारायण सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको CSC सैंपो से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने किया NCC कैडेट नरेश को सम्मानित। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल DS गुर्जर द्वारा धौलपुर के NCC कैडेट नरेश कुमार गुर्जर को जयपुर में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नरेश को उनके द्वारा लगातार समाज हित में किए जा रहे बहादुरी के कार्यों के लिए दिया गया है। इस दौरान नरेश का माला पहनाकर स्वागत किया गया, कार्य करने पर स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने जताया विधायक रोहित बोरा का आभार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कल शनिवार को राजस्थान विधानसभा जयपुर में तीर्थराज मचकुंड को श्री कृष्णा सर्किट में जोड़ने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसे लेकर हल्ला बोल जन सरोकार मंच धौलपुर ने विधायक बोरा का आभार जताया है। एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 8 महीने पूर्व हल्ला बोल टीम द्वारा मचकुंड धाम को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए मुहिम चलाई थी, जिसका धौलपुर के समस्त सामाजिक संगठनों व आमजन द्वारा समर्थन व सहयोग किया गया। पिछले महीने हल्ला बोल टीम पूर्व प्रधान मोनू जादौन के नेतृत्व में विधायक रोहित बोरा से मिली और राजस्थान के पर्यटन मंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिस पर विधायक ने विधानसभा में मामले को उठाया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय किसान संघ इकाई बाड़ी की बैठक सम्पन्न। श्री देव नारायण मंदिर बाड़ी में आज रविवार को भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील इकाई के सदस्यता अभियान की चर्चा करते हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जिला अध्यक्ष नत्ती सिंह की अध्यक्षता में एवं प्राण महामंत्री गजानंद के सानिध्य में बाड़ी तहसील कार्यकारिणी का पुनः चुनाव कराए गए, जिसमें गंभीर सिंह को अध्यक्ष, अमृत लाल को मंत्री, बच्चू सिंह को उपाध्यक्ष तथा दिनेश को उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया। बैठक में भगवान सिंह, धर्म सिंह, कप्तान सिंह चेची, एडवोकेट मुरारी लाल अंदाना, बसेड़ी तहसील अध्यक्ष महेश सिंह भी उपस्थित रहे। किसान संघ बसेड़ी इकाई की कार्यकारिणी गठित, संतोष सिंह बने अध्यक्ष। बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत मूडिक के गांव कूटपुरा में ग्राम इकाई का गठन किया गया, जिसको लेकर भारतीय संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेश सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष संतोष सिंह, मंत्री बाल मुकुंद, युवा प्रमुख आदेश सिंह को मनोनीत किया गया तथा कार्यकारिणी में कृष्ण सिंह, भीरवान, राधेश्याम, अतर सिंह, ओमवीर, नरेश मोहन को कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया। बैठक में फूल सिंह, रामजीलाल, राधेश्याम आदि कार्यकर्ता ने भाग लिया। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।